बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम लोग आज लिफ्ट्स के बारे में कुछ फर्दर डिटेल पढ़ेंगे। हमने पहले लिफ्ट को जनरेट करना और उन लिफ्टों के ऊपर मल्टीपल जो फंक्शन थे वो अप्लाई करना सीखे थे। हमने लिफ्ट्स के साथ फिर अरेज को देखा था। अरे के बारे में भी हमने बड़ी डिटेल में बात की थी। तो आज हम देखते हैं कि किस तरह से हम लिफ्ट्स के साथ, जिस तरह हमने उसमें देखा था कि मोर अबाउट नंबर, तो आप ये देख लें कि आज आप ये कह लें कि आज लिफ्ट के बारे में हम फर्दर डिटेल देख रहे हैं कि लिफ्ट की डिटेल नेक्स्ट क्या होती हैं, कैसे होती हैं। तो सबसे पहले जब हम पेयर्स बनाते हैं, जब हम पेयर्स बनाते हैं लिस्ट्स के, तो उनसे अगर हमें ओरिजिनल लिस्ट को ड्राइव करना हो अपनी पेयर्ड लिस्ट में से, तो हम उसके लिए सिंपल फंक्शन यूज करते हैं ट्रांसपोज का। और अपना हमारी जो ओरिजिनल लिस्ट होती है वो हमारे पास आ जाती है। इस तरह से पहली कमांड अगर आप देखें तो ट्रांसपोज का फंक्शन यूज किया है, और ये जो पेयर्ड लिस्ट थी इसमें से उसने लिस्ट वन और लिस्ट टू को अलग कर दिया। जो पहला एलिमेंट है 1, 3, 5, 7 एंड 9, जो पहले एलिमेंट्स थे वो लिस्ट वन के थे, और जो सेकंड एलिमेंट है वो लिस्ट टू के हैं। अब ये क्या किया था हमने कि अपने पेयर्ड लिस्ट में से अपनी लिस्टें वापस ली। अब अगर लिस्टों में से हमने बैक जाना हो पेयर्ड की तरफ, तो हम उन लिस्टों का ट्रांसपोज ले लेंगे, यानी कि ये दोनों सूरतों में काम करेगा, पेयर टू लिस्ट, लिस्ट टू पेयर। तो ये हमारे पास सेकंड कमांड अगर आप देखें कि अगर हम लिस्ट को बैक टू पेयर जाना चाहें, तो आपके सामने जो कमांड है वो शो हो रही है 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10, और उनके वो पेयर जिनसे पहले हमने अभी थोड़ी देर पहले लिफ्ट ली थी वो पेयर हमारे सामने आ गए। अब हम बात अगर करें थ्रेड की, तो देखें थ्रेड में हमें जो पेयर्ड है उनके बारे में बताया जाता है कि 1 to 2 ये पहला पेयर है, 3 to 4 दूसरा पेयर है, 5 to 6 तीसरा पेयर है, 7 to 8 नेक्स्ट पेयर है, एंड 9 to 10 नेक्स्ट पेयर है। ये देखें, ये हमें वही जो पेयरिंग हमने ऊपर की हुई है ना, ये उसको आप ये कह लें कि एक अल्टरनेट मेथड है आपके पास है उस पेयर। और ये हम बात किसकी कर रहे हैं, अपनी लिस्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमने बात की लिस्ट की, तो अब हम बात करते हैं कि लिस्ट के अंदर हम पार्टीशन कर सकते हैं। पार्टीशन के लिए हमारे पास फंक्शन मौजूद है पार्टीशन का। आप देखें हमने रेंज दी 12 एलिमेंट्स की और पार्टीशन करनी है 3 के हिसाब से, यानी कि आप टोटल लिस्ट साइज उसे दे रहे हैं। आपको पता है कि लिस्ट जनरेट करने के लिए आप रेंज की कमांड भी यूज किया करते, तो आपने क्या किया कि उसे लिस्ट का साइज दे दिया और ब्लॉक साइज भी बता दिया। तो उस ब्लॉक साइज के नतीजे में आपके पास क्या हुआ कि आपके पास उसने आपकी पूरी लिस्ट के ब्लॉक्स बना के जो साइज आपने बताया था उसकी पार्टीशन करके वो आपको शो करवा दी। तो पार्टीशन की कमांड किसके लिए यूज होती है कि आपकी किसी लिस्ट को आपकी गिवन इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उसके पार्ट्स में डिवाइड कर। उसके बाद अगर हम अपनी पार्टीशन लिस्ट को ग्रिड में डिस्ट्रीब्यूट करें या ग्रिड में देखना चाहें,
तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है कि उसने कुछ करेक्टर्स लिए हैं और उन करेक्टर्स को उसने ग्रिड की फॉर्म में देखा हुआ है। देखें ग्रिड, आपको पता है हम कमांड ग्रिड के क्यों यूज करते हैं, जब हमने किसी भी वैल्यू को ग्रिड की फॉर्म में देखना हो। पार्टीशन का फंक्शन उसने यूज किया है, पार्टीशन में अब उसने रेंज नहीं ली, यानी कि उसने लिस्ट वाली जनरेट नहीं करवाई, बल्कि उसने क्या ले लिया, उसने करेक्टर्स ले लिया। कौन से करेक्टर? एन अरे ऑफ टेक्स्ट मेड इन द फुल फॉर्म लैंग्वेज। अब ये उसने सारे करेक्टर्स ले लिए एज अ लिस्ट, यानी कि जहां पे हम रेंज से लेते थे ना, अब उसने करेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया है और फिर कहा है कि 99 करेक्टर्स की एक आपने प्लेट अब वो बनानी है ब्लॉक। अब देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, यानी कि इसमें याद रखिएगा कि आपकी स्पेस जो है, कंप्यूटर को स्पेस का नहीं पता, वो स्पेस को भी एज अ करेक्टर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करता है। तो ये 99 के हिसाब से जहां पे आपकी वैल्यू पूरी हो रही थी वहां पे आपको क्या आ गया, ग्रिड आ गया। ये आप ग्रिड की कमांड पार्टीशन के ऊपर वाली जो आपकी है उसके लिए भी ले सकते हैं। और ये फ्रेम आल का मतलब क्या था कि ये जो आपको टेबल नजर आ रहा है ये बनाने के लिए उसने फ्रेम आल कर दिया, ताकि आपको टेबुलर फॉर्म में नजर आए, चीजें क्लियर हो जाए। अदरवाइज आपको आइडिया नहीं होना था कि यहाँ से स्पेस खाली है तो क्यों खाली है, यहाँ पे 8 करेक्टर है, यहाँ पे 9 करेक्टर है। तो ये आपको क्लियर करने के लिए कि स्पेसेस भी एज अ करेक्टर यूज हो रहे हैं ग्रिड में, तो इसके लिए आपकी ग्रिड की कमांड उसने यूटिलाइज की। उसके बाद हम रीअरेंजिंग लिस्ट में आगे चलते हैं। हमारे पास है कि हम पार्टीशन करना चाहते हैं किसी भी लिस्ट की, इसमें 3-3 के ब्लॉक में ऑफसेट्स ऑफ 1, अब 10 है। अब इसके अंदर पहले हमने पार्टीशन की 3-3 की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से हमारी पार्टीशन। अब विद ऑफसेट ऑफ 1 का क्या मतलब है? विद ऑफसेट 1 का मतलब है कि नेक्स्ट पार्टीशन में सिर्फ पहला एलिमेंट छोड़ना है। ठीक है, 1, 2, 3 पहली लिस्ट है, 1 को छोड़ के 2 से स्टार्ट होने वाली ये लिस्ट है, 2 को छोड़ के 3 से स्टार्ट होने वाली ये लिस्ट है, 3 को छोड़ के 4 से स्टार्ट होने वाली ये लिस्ट। यानी कि पार्टीशन इस तरह से करनी है कि ऑफसेट्स 1, सिर्फ पहला पहला एलिमेंट आपने छोड़ना है, बाकी जो है उनको तरतीब से आपने उस टाइम तक करना है जब तक आपके 10 तक 3-3 के डिजिट्स बनते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है एक और पार्टीशन का, यानी कि जब आप ब्लॉक्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें से आप ऑफसेट्स के मुताबिक भी उसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगेन वही बात है कि जब आप करेक्टर्स की करते हैं उसमें भी आप ऑफसेट 1 ले सकते हैं, ये 12 ऑफसेट 1, तो 12 के हैं उसके ऑफसेट 1, यानी कि पहला छोड़ के दूसरे से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे आप। उसके बाद ऑफसेट ऑफ 2 इंस्टेड, यानी कि एक ऑफसेट की जगह पे पहले दो दो छोड़ के आपने चेक करना है, तो वो आपके सामने शो होगा कि दो दो के हिसाब से वो कैसे होगा, 2-2 एलिमेंट्स हुआ उसमें से पहले 2 एलिमेंट्स को छोड़ देगा। तो ये आपके पास थी कमांड ऑफसेट की, इसके अंदर पार्टीशन के अंदर। ये हम ग्रिड में देख रहे हैं, ग्रिड के अलावा भी सिंपल पार्टीशन में भी हम ऑफसेट्स वाला कमांड जो है वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि Partitions take place a list, takes a list and breaks it into subsets. ठीक है, flatten, flattens out sub list. ये flat करने के लिए यूज हो रहा है। मसलन digits of successive integers. अब देखे integer digits range 20. तो आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अब यहां तक आप क्या आ गया, इंटीजर डिजिट्स हैं आपको पता है। उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20, तो ये आपके पास सारे के सारे क्या है, इंटीजर डिजिट। यानी कि वो इसके अंदर हो क्या रहा है कि आपकी लिस्ट जो है ना वो हर करेक्टर को अलग करिए। आप देखें 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, लेकिन क्या किया उसने, उसे इंटीजर वाइज शो करवा दिया आपको, 1 by 1 शो। उसी तरह हम इसको फ्लैटन करना चाहते हैं, हमने अभी जो लिस्ट बनाई है तो ये देखिए आपके पास नीचे बस वही उसी लिस्ट को, उसी सॉरी जो हमने लिस्ट जनरेट करवाई थी उसी को हमने फ्लैटन की कमांड दी है, तो कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ वो एक सिंगल लिस्ट शो हो गई है, फ्लैट लिस्ट बन गई है,
बाकी सारे का सारा वही है। अब अगर हम इसी लिफ्ट को प्लॉट करना चाहें तो ये देखें, लिफ्ट लाइन प्लॉट है, बाकी सारी की सारी वही फ्लैट वाली कमांड है। फ्लैट वाली कमांड को यूज करके हमने प्लॉट किया तो ये ग्राफ हमारे सामने शो हो रहा है, जो ग्राफ हमें इसके नतीजे में ऑब्टेन होता है। उसके बाद हमारे पास आगे चले तो अगेन हमने बात की, मेक अ लिस्ट ऑफ लिफ्ट्स ऑफ लिफ्ट्स, एक लिस्ट बनानी है बहुत सारे लिस्टों में से। अब इसके अंदर हमने वही यूज कर लिया आई पावर जे, आई ए के हिसाब से आपको याद होगा आई की वैल्यू भी 4 तक है और जे की वैल्यू भी 4 तक है। इसको हम टेबल फॉर्म टेबल की कमांड के मुताबिक कर रहे हैं। देखें 1 आई रेज टू पावर जे 1 1 1 हम 4 की बना रहे हैं। उसके बाद 2 2 टू द 4 4 टू द 8 उसके बाद 1 एंड 6 उसके बाद 3 9 2 एंड 7 तो ये आपके पास क्या आ गया कि उसके लिस्ट के जो सब सेट्स थे उस हिसाब से उसने हमें यानी कि लिस्ट्स ऑफ लिस्ट्स की उसने हमें शो करवा दिया। आप आई पावर जे के अकॉर्डिंग आई पी फोर के लिए और जे भी। उसके बाद फ्लैटन एवरीथिंग आउट, इसी कमांड को हमने फ्लैट किया है तो हमारे सामने ये फ्लैट आंसर आ गया। उसके बाद इसका कोई एक लेवल जो है उसे हमने फ्लैट करना है तो ये देखें आपका सिर्फ एक लेवल फ्लैट हुआ है, बाकी लेवल जो है वो फ्लैट है, नहीं हुआ। यानी कि यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे ये अलग था, एक ब्रैकेट अलग थी। उसके बाद यहाँ से ये ब्रैकेट स्टार्ट होके यहाँ तक आ रही थी, फिर यहाँ से एक नई ब्रैकेट स्टार्ट हो रही थी जो यहाँ तक आ रही थी। अब उसने क्या किया है कि उसने ये जो 4-4 की पार्टीशन हुई थी सिर्फ उसे खत्म किया यहाँ पे, क्योंकि आपने ये कमांड दे दी थी कि आपने सिर्फ लेवल 1 तक जाना, सारे लेवल क्लियर नहीं करने। तो लेवल 1 उसने क्लियर किया तो फ्लैट करके आपको आंसर जो है वो शो करवा दिया, ये फ्लैटन की कमांड थी। उसके बाद अगेन अरे फ्लैटन क्या करती है, इज अ जनरलाइजेशन ऑफ फ्लैटन। अब देखें फ्लैटन की कमांड अब यूज कर रहे थे, अब अरे फ्लैटन है व्हिच टेक्स अरेज ऑफ अरेज एंड फ्लैटन्स देम इनटू इंडिविजुअल अरे। अब नेक्स्ट लिस्ट हमने ली नंबर 0 नंबर नंबर एंड 1 2, तो उसके नतीजे में देखें हमारे पास उस नेक्स्ट लिस्ट के मुताबिक उसने अरेज को हमारे सामने शो कर दिया। अब अरे का आपको याद होगा हमने पढ़ा था लिस्ट ऑफ लिस्ट, उसकी जो लिस्ट थी उसके मुताबिक उसने हमें वो शो करवा दिया। इसी तरह देखें नेक्स्ट लिस्ट अरे फ्लैटन हमने किया वही कमांड, तो हमारे पास उसको उसने फ्लैट करके दे दिया 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 और तो यहाँ पे हमारे पास है वो कमांड आ गया, यानी कि नंबर 1 था तो वो 1 फिर 1 0 फिर हमारे पास क्या आया 1 1 फिर हमारे पास क्या आ गया 1 000 फिर हमारे पास आ गया 1 100 तो ये नंबर 1 के साथ जो 0 है उसकी वजह से ये हमारे सामने एक सिमेट्रिक नंबर्स की जो है वो हमें शो होगी। उसके बाद अगर हम इन चीज़ों को ग्राफिकल देखना चाहें यानी कि अरे को प्लॉट करना चाहें, अभी तक हम सिंपल लिस्टों को प्लॉट कर रहे थे तो ये देखिए हमने अरे प्लॉट के लिए ताकि आपको चीज़ें जो है वो विजुअलाइज करने में आसानी हो, तो ये देखिए आपको लेफ्ट अरे जो है वो आपने प्लॉट किया है। इसका सिंटैक्स थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसका सिंटैक्स माइनर से चेंज है, अरे प्लॉट डैश एट द रेट नेक्स्ट लिस्ट उसके बाद अरे फ्लैटन नंबर 0 नंबर नंबर एंड 1, तो ये आपके सामने उसकी प्लॉट। उसके बाद है इसका फ्रैक्टल अरे प्लॉट नेक्स्ट अरे फ्लैटन और आप 8 तक वैल्यू चलेंगे, तो ये देखें आपके पास इसमें और इसमें आपको डिफरेंशिएशन नजर आ रही होगी, आपने सिर्फ इसकी वैल्यू को चेंज किया और बाकी आपके सामने जो कमांड्स है वो उसी तरह है। आप लेवल वहाँ पे 4 तक गए थे, यहाँ पे आप लोगों ने लेवल 8 तक कमांड दिया है तो आपके पास शो हो रहा है कि किस तरह से उसने चेंज किया। उसके बाद लिफ्ट्स को अरेंज करने के और बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से देखें सबसे पहले उसने क्या किया हुआ है कि सप्लिट क्या काम करता है, तो सप्लिट का जो फंक्शन है वो क्या करता है, सप्लिट्स अ लिस्ट इनटू रन्स ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स।
सबलेट वाला जो कमांड है वो सबलेट कर देता है आपके आइडेंटिकल एलिमेंट्स को। मसलन सबलेट अ लिस्ट इनटू सीक्वेंस ऑफ सक्सेसिव आइडेंटिकल एलिमेंट। तो ये देखें, 111 अलग हो गया, 22 अलग हो गया, फिर 11 अलग हो गया, अब 3 अकेला था अलग हो गया, 11 अलग हो गया और 2 अलग हो गया। तो ये सक्सेसिव एलिमेंट्स हैं उनको आपने अलग कर दिया, यानी कि एक जैसे एलिमेंट्स होते हैं उनको आपने अलग कर दिया। किसके थ्रू? सबलेट के थ्रू आप अपनी कमांड को सबलेट कर दिया। उसके बाद है गैदर वन ऑन द अदर हैंड। अब ये गैदर की, वहाँ पे आपके क्या था? वहाँ पे सबलेट था, जहाँ पे जो आ रहा है उसको सबलेट करके अलग करके शो करवा दिया। ये गैदर की कमांड है कि एक जैसे सारे इकट्ठे गैदर कर, जितने भी आपके एक जैसे एलिमेंट्स हैं, आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं, उन सारों को गैदर कर। तो ये सबलेट और गैदर में फर्क आपने याद रखना। सबलेट जो है वो जस्ट आपको सबलेट करके दे देगा कि जहाँ पे सेम नंबर्स हैं उन्हें कंबाइन कर देगा, बाकियों को शो करवा देगा। लेकिन गैदर में वो सारे सेम इकट्ठे करेगा और जो बाकी एलिमेंट्स होंगे उन्हें अलग करेगा। तो ये आपके पास सबलेट और गैदर की कमांड है, जिन्हें आप चेक करते हैं। उसके बाद हमारे पास गैदर बाय की कमांड है। जिस तरह से हमने बात की थी लास्ट टाइम पे प्राइम क्यू की, क्यू जो है वो हमारे न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए या हमारी करेक्टर वैल्यूज के लिए हम यूज करते थे। गैदर करेक्टर्स अकॉर्डिंग टू वेदर दे आर लेटर्स और नॉट, यानी कि आप ये जो कमांड दी हुई है उसके अंदर जो करेक्टर्स हैं उनको अलग कर देगा और जो बाकी हैं अदर देन करेक्टर्स, अब अदर देन करेक्टर्स में सारी चीजें आ जाएंगी, आपके सिंबल भी आ जाएंगे, आपके नंबर भी आ जाएंगे, सारी चीजें। गैदर बाय की कमांड है, गैदर की कमांड पहले हमने यूज किया, अब हम गैदर बाय की कमांड यूज कर रहे हैं। गैदर बाय करेक्टर्स, इसमें से हम करेक्टर्स को अलग कर रहे हैं। उसके बाद हमने अपनी एक, ये देखें, करेक्टर लिस्ट करेक्टर स्ट्रिंग दी हुई है और लास्ट लेटर क्यू, हम लेटर के हिसाब से उसको, ये देखें, ये हमारे पास गैदर हो गई है। और उसके बाद जितने भी नॉन करेक्टरिस्टिक्स थे वो सारे के सारे, या नॉन करेक्टर थे इनपुट में वो सारे के सारे अलग हो गए। उसके बाद क्या है सॉर्ट का कमांड हम क्यों यूज करते हैं? सॉर्ट नॉर्मली सॉर्ट शॉर्टर लिस्ट बिफोर लॉन्गर ऑर्डर, यानी कि छोटी लिस्ट को पहले स्टेप बाय स्टेप सॉर्ट आउट करती है, स्मॉलर टू ग्रेटर, छोटी लिस्ट पहले उससे बड़ी बाद में, उससे बड़ी बाद में, उससे बड़ी बाद में। तो उसके बाद हमारे पास ये सॉर्ट टेबल इंटीजर डिजिट 2^n और n की वैल्यू है 10, यानी कि 2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5। तो यहाँ पे हम इंटीजर वाइज देख रहे हैं दोनों 16 को 16, 32 को 32 को 32। अब सॉर्ट बाय की कमांड हमारे पास यूज हो रही है कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनको फंक्शन के मुताबिक चेक कर पा रहे हैं। सॉर्ट बाय टेबल इंटीजर डिजिट 2^n एंड 10 सेम हमारे पास है। उसके बाद हमने फर्स्ट की बात कर दिया, तो ये देखिए उसने 16, 128, 1024, फिर 2, 256, 32, फिर 4, 512, 64 एंड 8। तो इस हिसाब से उसने हमें वो चीज़ें जो है वो सेपरेट करके इसने सॉर्ट बाई ने, सॉर्ट ने सिंपल हमें तरतीब से करके दिया था, इसने हमें क्या करके दिया, इसने हमें उस लिस्ट को जो थी वो हमारे फंक्शन के मुताबिक, हमने जो फर्स्ट वाला फंक्शन यूज किया उसके अकॉर्डिंग अरेंज करके दे दिया सॉर्ट बाय ने। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सॉर्टिंग क्या करती है हमें पता है। उसके बाद अगर हम यूनियन लेना चाहें, यूनियन का आपको याद होगा कि जिनका हम यूनियन लेते थे उनके अंदर सारे एलिमेंट्स को लिखा जाता था और उसमें जो कॉमन एलिमेंट्स होते थे उन्हें वन से लिखते थे। तो ये देखें इसके अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स थे उसको उन्हें छोड़ के बाकी सबका यूनियन ले लिया। उसके बाद हम अगर इनको अलग अलग सेट्स के फॉर्म में या अलग अलग लिस्ट के फॉर्म में रखें तो भी उसका यूनियन हमें दे देगा। बात वहीं पे आ जाएगी कि सारे के सारे जो कॉमन एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर आपका रेपिटिशन नहीं होगी वो आपका यूनियन का आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन की कमांड जो है वो आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं मल्टीपल टाइम, आपने मैथ्स में किया होगा कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन के फंक्शंस किस तरह से परफॉर्म होते हैं।
यूनियन में आपके पास क्या होता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स आप कौन से दे देते हैं, और इंटरसेक्शन में आपको जस्ट जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो आपको शो करवा दिए जाते हैं, उन कॉमन एलिमेंट्स के बारे में आपको बता दिया जाता है। तो ये देखिए कॉमन इंटरसेक्शन के लिए आपको जो वैल्यू दी हुई है, जो लिस्ट दी हुई है, उनका आंसर ये पहले का इंटरसेक्शन है, ये कॉमन एलिमेंट है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जो आपके फर्स्ट लिस्ट में है लेकिन सेकेंड लिस्ट में नहीं है, जो हम कहते हैं वो हमने कम्प्लीमेंट लिया, तो ये हमारे पास कम्प्लीमेंट आ गया, या जिसे हम माइनस के लिए भी यूज करते थे। उसके बाद फाइंड लेटर्स दैट अपीयर्स इन एनी ऑफ इंग्लिश, स्वीडिश एंड टर्किश। तो ये देखें हम यूनियन ले रहे हैं अल्फाबेट्स का, इंग्लिश के अंदर ई एन जी एल आई एस एस, अल्फाबेट्स के अंदर स्वीडिश और अल्फाबेट्स के अंदर टर्किश। तो इन सारों का अब हम यूनियन ले रहे हैं, तो हम उसको अरेंज करके इंग्लिश के अंदर, स्वीडिश के अंदर और टर्किश के अंदर, तो ये आपके पास यूनियन आ गया। उसके जो कॉमन होते हैं ना इनके अंदर, वो उसने रिप्लेस कर दिए, वो वंस आएंगे, बाकी सारे आपके पास। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट स्वीडिश और इंग्लिश को उसने ले लिया, यानी कि स्वीडिश लैंग्वेज के जो अल्फाबेट्स हैं और जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं उनके अंदर जो कॉम्प्लीमेंट है जो स्वीडिश में है लेकिन इंग्लिश में नहीं है, वो ये तीन एलिमेंट्स हैं जो आपके सामने शो हो रहे हैं। तो ये सारी के सारे जो इनपुट्स हैं ये या तो इसके अंदर मौजूद होंगी आपके, जिस तरह आप स्वीडिश लैंग्वेज का हमें नहीं पता, टर्किश का हमें नहीं पता कि उसके अल्फाबेट्स क्या हैं, या तो ये आपके सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद होंगी, या फिर ऑनलाइन जब आप यूज कर रहे होंगे तो वो ऑटोमेटिकली उन्हें डाउनलोड कर लेगा, जिस तरह बहुत सारे पहले हमने किए हुए हैं कि जब आप कोई फंक्शन की कमांड देते थे तो वो ऑटोमेटिकली नेट पे जाके उन्हें डाउनलोड करता था और फिर आपको शो करवा देता। उसके बाद हमारे पास रिफिल की एक कमांड यूज हो रही है, यह क्या करता है, विच इंसर्ट्स थिंग्स बिटवीन सक्सेसिव एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट। यानी कि आप एलिमेंट, आपने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट जनरेट करवाने के दो तरीके हैं, एक तो है कि आप रेंज से जनरेट करवा लें, ये क्या कि आप सिंपल लिस्ट की एग्जैक्ट वैल्यूज देते हैं, तो उसके दरमियान अगर आपने कोई एक एलिमेंट इंसर्ट करना हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं, रिफिल की कमांड देते हैं। रिफिल की कमांड में आपकी लिस्ट का एलिमेंट के अंदर आपका वो वाला जो एलिमेंट है जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो इंसर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद रिफिल इनटू आवर लिस्ट कैरेक्टर्स, आपने ये फुल फॉर्म की एक करेक्टर लिस्ट ली, उसके अंदर आपने ये वाले इंसर्शन करना चाहिए, तो ये देखें वो ऑटोमेटिकली जिस तरह एक्स इंसर्ट हुआ था इसी तरह वो फुल फॉर्म के दरमियान में इंसर्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है कि स्ट्रिंग ज्वाइन, स्ट्रिंग ज्वाइन, अब उसमें उसने क्या किया कि उस सारी स्ट्रिंग को फुल फॉर्म की जो थी उसे ज्वाइन करके उसके अंदर वो इंसर्शन कर दिया, क्योंकि स्ट्रिंग ज्वाइन के अंदर आपने रिफिल वाला भी किया। तो इसके अंदर चेंजिंग क्या आई कि ये आपके जो लिस्ट वाले ब्रैकेट थी वो खत्म हो गई, बाकी सारे का सारा सिंगल स्ट्रिंग में आपको आंसर शो हो गया, क्योंकि स्ट्रिंग आपने सारी ज्वाइन कर दी है तो आपका सिंगल स्ट्रिंग का आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है रैंडम सैंपल रेंज 120, क्या करेगा इसमें 20 एलिमेंट्स को पिक करेगा 100 की रेंज में, और 100 की रेंज का मतलब है कि 1 to 100, और उसमें से कभी भी किसी को रिपीट नहीं कर रहा, रैंडम सैंपल हम ले रहे हैं रेंज 100 का 20 एलिमेंट्स। इफ यू डोंट से हाउ मेनी एलिमेंट्स टू पिक यू गेट, तो आप क्या करेंगे ये देखिए रैंडम सैंपल रेंज 10, तो आपके सामने 10 में से रैंडम सैंपल जो है वो आपके शो करवा देगा, और ये रैंडम के फंक्शन के लिए यूज हो रहा है। उसके बाद आज की जितनी चीजें हमने डिस्कस की हुई है उन चीज़ों को अगर हम वन बाय वन देखें कि जिन्हें जिन्हें हमने डिस्कस किया है वो हमारे पास बड़ी सिंपल बनती हैं। सबसे पहले हमने ट्रांसपोज को डिस्कस किया, फिर थ्रेड को किया, फिर पार्टीशन को किया, फिर फ्लैटन को किया, फिर फ्लैटन के अंदर अरे फ्लैटन को किया, सबलिट को किया, गैदर को किया, गैदर बाय सॉर्ट बाय को किया, रिफिल यूनियन को किया, इंटरसेक्शन को किया, कम्प्लीमेंट को किया, उसके बाद सबसेट्स वाला किया था, उसके बाद हमारे पास रैंडम चॉइस वाला किया और रैंडम सैंपल वाला किया। तो ये आपके पास जो लेक्चर के एंड पे आपको एक टेबल मिलता है जिसके अंदर आपकी सारी वैल्यूज मौजूद होती हैं। अब हम अपनी आज की जो क्लास है इसको देख लेते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ये कैसे चलती है, तो हम अपने सॉफ्टवेयर पर इन चीज़ों को चेक कर लेंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर इस इन जो कमांड जो हमारी
इन्हें प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करता है या कहीं पे हमें कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि समटाइम होता है कि हमारी कमांड्स में कहीं ना कहीं पे कोई अगर चेंज आ जाए तो उसकी वजह से फिर बाद में हमें परेशानी होती है कि ये एग्जीक्यूट हमने पढ़ते हुए पढ़ा था लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन कैसी हुई है समझ नहीं आ रही। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, ये रही आपके सॉफ्टवेयर की शक्ल स्क्रीन, और हम बात कर रहे हैं अपनी लिस्ट की। मसलन सबसे पहले हमने कहा कि हम किसी भी लिस्ट का ट्रांसपोज, यानी कि जो सब लिस्ट्स बनी हुई होती हैं उनका अगर हम ट्रांसपोज ले लें, उस ट्रांसपोज को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये लिस्ट हम ले लेते हैं 1, 2 और वन टू थ्री फोर और 5, 6, ये आप अपनी चॉइस के जो एलिमेंट्स हैं वो दे सकते हैं। तो ये देखें आपके सामने पहला एलिमेंट जो है वो एक लिस्ट का है और दूसरा एलिमेंट जो है वो दूसरी लिस्ट का है। अब ये जो लिस्ट आई है मैं इसी का ट्रांसपोज ले लेता हूँ। ट्रांसपोज ये जो लिस्ट मैंने बनाई हैं लास्ट आंसर में, तो ये देखें आपके पास वो दोबारा मैंने परसेंट यूज़ कर लिया ना, क्योंकि मुझे इनपुट में यही वाली लिस्ट देनी थी। अब ये क्या कर रहा है, ये रिवर्स काम कर रहा है। अगर आप इसे लिस्ट दे रहे हैं तो ये आपको उसका ट्रांसपोज दे रहा है। तो अगर आप इसको उसका सब लिफ्ट दे रहे हैं तो वो उसको कन्वर्ट कर रहा है लिफ्ट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें अलग हो गई। उसके बाद हमारे पास अगली कमांड जो है वो थ्रेड की थी, और थ्रेड का भी मैंने आपको बताया था कि थ्रेड जो है वो तकरीबन इसी तरह से जो है वो आपके टास्क परफॉर्म करता है। मसलन आप यहाँ पे अब इसे कोई वैल्यू देना चाहते हैं तो मैं सॉरी वो थ्रेड बनाना चाहिए हमें थ्रेड, उसके लिए हमें इसके अंदर इंसर्ट करने पड़ेंगे अपने सिंबल्स। ये रहे हमारे सिंबल, सिंबॉलिक में से हमें सर्च करना है अपने इसमें सिंबल हमारे सारे तकरीबन मौजूद होते हैं। तो थ्रेड के अंदर हम यहाँ से सिंबॉलिक लिस्टें ऐड करके देख लेंगे। थ्रेड के अंदर हमारी लिस्ट मसलन पहली लिस्ट जो है वो 1357 है, जो हमने पहले इंसर्ट की हुई है, हम उसी लिस्ट को यूज़ कर लेते हैं 1357। सेकंड लिस्ट हमारे पास जो है वो 2, 4, 6 है। तो हमारा आंसर जो है नहीं, उसके अंदर हमने एक एलिमेंट ज़्यादा कर दिया था पहली लिस्ट के अंदर, तो ये है। अब आपके पास एलिमेंट सेम है क्योंकि उसने आपको सेकंड अलग करके बताना है ना कि पहली लिस्ट के एलिमेंट किए हैं दूसरी की। अगर पहले के एलिमेंट ज़्यादा होंगे दूसरी के और होंगे तो वो उनको कभी भी आपके सामने शो ऑफ नहीं कर पाएगा। इसी तरह हमने कहा था कि हम इसके अंदर पार्टीशन का शो कर सकते हैं, क्या हम एक लिस्ट जो है वो उसे अगर शो करवाएं या एक लिस्ट जो है वो इंसर्ट करें पार्टीशन। अब लिस्ट दो तरीक़ों से इंसर्ट हो सकती है, या आपको पता है मैनुअली हो सकती है, या आप रेंज ले सकते हैं। तो हम अगर रेंज यूज़ करते हैं, और रेंज मैं यूज़ कर रहा हूँ कितने एलिमेंट्स की यूज़ करनी चाहिए, मैं कहता हूँ 25 एलिमेंट्स हैं इनकी रेंज यूज़ करते हैं, और पार्टीशन कितने कितने की करनी है, 5-5 की करनी है। तो हम 5-5 की पार्टीशन करके देखते हैं। ये देखें 5-5 की 5 लिस्ट जो हमने आपको शो करवा दिए। अब इसी का आपको पता है कि इसके लिए अगर आप यहाँ पे ग्रिड की कमांड यूज़ कर लेंगे
जो हमारा ग्रिड का फंक्शन है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसको ग्रिड की फॉर्म में आपको शो कर दिया जाएगा। ये देखो, ये ग्रिड की फॉर्म है। उसके बाद अगर आप इन्हें ग्रिड की फॉर्म में शो करते हुए उसका फ्रेम देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने कहा था कि हम फ्रेम और सारे फ्रेम जो है उन्हें ट्रू कर देते हैं। तो ये नहीं, आपके फ्रेम ट्रू है, जिस तरह से वो वैल्यूज थी उस तरह से आपके फ्रेम्स के आंसर आए। अगर आप ये वैल्यूज अलग अलग होती, 1 के बाद कॉमा 2 के बाद कॉमा 3 के बाद कॉमा 2, तो आपको बाकी शो हो जाता, जिस तरह हमने पहले करेक्ट किया। यहाँ पे हमने क्या किया, उसके फ्रेम को ट्रू किया। उसके बाद हमने ग्रिड लिस्ट्स के बाद पार्टीशन की बात की थी कि उसके अंदर ऑफसेट्स वाली जो पार्टीशन थी वो किस तरह से काम करती थी। तो अगेन हम अपनी पार्टीशन वाली कमांड को यूज़ कर लेते हैं कि हमारे पास हमें चाहिए जनाब पार्टीशन, पार्टीशन हमें चाहिए, उसके लिए कोई एक रेंज सपोज कर लेते हैं। उसके लिए हमने रेंज सपोज कर ली, हमने रेंज ली थी 25 की रेंज, और हमने पार्टीशन की थी 5 5 के लिहाज से, और हम चाहते हैं कि हर एक में वो दो दो एलिमेंट्स जो है वो छोड़ के उसको पार्टीशन करें। ये देखें 1 2 3 4 5, अब उसमें 1 2 छोड़ दिया, 3 4 5, अब अगले में 3 4 छोड़ दिया, 5 6 7, अगले में 5 6 छोड़ दिया, और इस हिसाब से जो है वो आपकी पार्टीशन जो है वो स्टार्ट होगी। उसके बाद इसके अंदर भी हमारे पास वो ऑप्शन मौजूद है कि अगर हम इसको ग्रिड देखना चाहें या फ्रेम्स के फॉर्म में देखना चाहें तो हम इसको देख सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप इसको जो इसका आपने ऑफसेट साइज 2 दिया है, ये आपको पता है कि आपकी चॉइस है। अगर रेंज आपने जितनी लिफ्ट बनानी है, जो आपकी डिमांडिंग लिफ्ट होगी उसके मुताबिक बनाएंगे, तो उसका साइज क्या रखना है और उसके अंदर ऑफसेट्स कितना रखना है, यहाँ पर मैंने मैनुअल 2 का रखा है, तो ये आपके अपनी चॉइस पे या आपकी डिमांड पे होता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैल्यू चेंज करने का। उसके बाद हमने इंटीजर डिजिट्स के लिए कुछ वैल्यू देखे थे, हमने कहा था कि इंटीजर डिजिट्स और किस चीज़ के लिए हम ये इंटीजर डिजिट्स की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा था कि एट के बाद हमने अपनी लिस्ट की रेंज उसे डिक्लेयर करवा दी थी, एंड सपोज रेंज इज 10, तो ये रहा हमारा आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन वो इंटीजरल डिजिट्स हैं, तो वो जहाँ पे 10 आएगा वहाँ पे 1 0, दो इंटीजर जो है वो आपस में मैचअप हो रहे हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी इस इंटीजरल डिजिट्स वाली जो कमांड है, इसके सारे ये जो सब लिस्ट्स बनी हुई हैं इन्हें ख़त्म करूँ, तो आपको याद होगा कि हमने कहा था कि हम यहाँ पे एक कमांड यूज़ करेंगे फ्लैटन की, तो मैं इसी लिस्ट से पहले फ्लैटन की कमांड यूज़ कर लेता हूँ। फ्लैटन हमारा अगेन वही बिल्डिंग फंक्शन है, ये देखिए फ्लैटन की कमांड यूज़ करेंगे और ये हमारे पास फ्लैट होगी। उसके बाद ये जो हमारे पास फ्लैट हुई हुई कमांड है, इसी को आप फर्दर प्लॉट कर सकते हैं, यानी कि इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखनी हो तो इसको लिफ्ट प्लॉट या लिफ्ट लाइन प्लॉट, जिस तरह से आप देखना चाहें उस तरह से, ये देखिए लिफ्ट प्लॉट, तो आपके सामने ये प्लॉट आ गया, या लिफ्ट लाइन प्लॉट था हमारे पास, हम इसे लिफ्ट लाइन प्लॉट में देख लेते हैं, लिफ्ट लाइन प्लॉट में, लिफ्ट लाइन प्लॉट, लाइन प्लॉट, ये आपको लिफ्ट लाइन प्लॉट आ गया। तो ये सिंपल, आप जहाँ पे रेंज की वैल्यू चेंज करने से आपको पता है कि आपका प्लॉट ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज होता जाएगा। ये 25 जब हमने थी तो उसकी जो डिजिटल वैल्यू थी उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली चेंज होगी आपके सामने, आपको पूरे का पूरा लिस्ट प्लॉट। उसके बाद आपके पास इंटीजरल डिजिट्स की हमने बात कर ली, फ्लैटन की बात कर ली, नेक्स्ट हमारे पास नेस्ट लिस्ट के बारे में था कि हम लिस्टों के अंदर लिस्ट क्रिएट करवाते जाएँ, लिफ्ट विद इन लिस्ट, लिफ्ट विद इन लिस्ट, तो उसके लिए हमने कमांड यूज की थी नेस्ट लिस्ट की, नेस्ट लिस्ट, और इसके लिए हमने कहा था कि इसके अंदर कोई नंबर और ज़ीरो की अब हम इनपुट कर रहे हैं,
लेफ्ट लिफ्ट के लिए। उसके बाद फिर हमने कहा था कि नहीं जनाब, दोनों दफ़ा नंबर यूज़ होना चाहिए और ये हमारे पास लिफ्ट, दो लिफ्ट थी उनको एक लिफ्ट बना दिया। अब उसके लिए एंड की कमांड हम यूज़ कर रहे हैं, अगेन लेफ्ट लिफ्ट है तो इसका मतलब है वो ये जो भी हमने बात किया कि लिफ्ट विद इन लिफ्ट, तो ये लिफ्ट के अंदर एक लिफ्ट और आ गई वन की, और इसके बाद आ गया विद डिफरेंस ऑफ टू, तो ये देखिए आपके सामने लिफ्ट आ गई। ये सारी इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब ये लेफ्ट लिफ्ट है इसको आप फ्लैटन की कमांड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, तो लेफ्ट लिफ्ट के बाद यहाँ पे आप इसको फ्लैटन की कमांड दे देंगे, यहाँ पे FLA ये फ्लैटन की कमांड यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, और ये लेफ्ट लिफ्ट है तो हम इसके साथ है। अरे फ्लैटन की कमांड यूज कर लेंगे तो हमारे पास ये रहा हमारे पास, अरे फ्लैटन की कमांड, फ्लैटन हमारे पास लिस्ट में शो हो जाएगी। उसके बाद हमने इसकी प्लॉटिंग की बात की थी कि हम इसका प्लॉट किस तरह से कर सकते हैं, तो हमारे पास सपोज करें कि हमारे पास एक अरे को हम प्लॉट करना चाहते हैं, अरे प्लॉट की कमांड यूज़ करेंगे, उसके अंदर फंक्शन लेंगे अपना लेफ्ट का, और लेफ्ट को हम फ्लैटन पहले कर लेते हैं ताकि, क्योंकि आपको पता है कि जब फ्लैटन हो जाएंगी तो हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो प्लॉट करना आसान हो जाएंगी। किसी भी अरे को हम फ्लैटन करके अगर यूज़ करेंगे तो अरे फ्लैटन, और उसके बाद अपनी जो वैल्यूज़ हैं अरे की वो हमने पुट करनी है जिस तरह अभी हमने पहले की थी। ये वैल्यूज हो गई पहली अरे की लिस्ट की, उसके बाद दूसरी लिस्ट के अंदर हमने दोनों नंबर रखने हैं तो ये नंबर हो गए दो, उसके बाद हमारी ब्रैकेट क्लोज एंड अगेन लिस्ट ऑफ वन और एट सो लेट्स सी, नहीं इसके अंदर हमारे पास कमांड अरे प्लॉट हमने किया नेस्ट के लिए, अरे फ्लैटन की कमांड